छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज एक निजी कार्यक्रम में शिरकत के लिए हरदोई पहुंचे। कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद आज वो अपनी पत्नी के साथ सीतापुर के नैमिषारण्य दर्शन के लिए हरदोई पहुंचे और यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की। साथ ही ये भी कहा कि यूपी में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ शासन और प्रशासन अन्य प्रदेशों से बेहतर ढंग से चला रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। वो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। मैं कह सकता हूं कि जिस चुनौती के साथ उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला, जिस बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के साथ पूरी तरीके से चौपट व्यवस्था को ठीक करके पटरी में लाके और ख़ासतौर से यहाँ के इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके संसाधन का के साथ जिस प्रकार उन्होंने कार्य योजना बनाई है, मैं कह सकता हूँ कि अन्य राज्य की तुलना में न केवल बीजेपी शासित बल्कि देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से जब तुलना करता हूँ तो मुझे लगता है कि नंबर वन में कहीं ना कहीं हम योगी जी को कह सकते हैं। हमारे बाकी जो लखनऊ के अंदर जो लोग हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, अब उससे जुड़े हुए हैं, लगातार मुलाकात दो दिन से, ये बात स्पष्ट हो गया है कि दूसरी बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। जो उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाया, जो डेवलपमेंट काम हुआ और मोदी जी की योजनाओं का जिस प्रकार सफलतापूर्वक क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश ने किया, अपने आप में कीर्तिमान है। और आज यदि शांति है, विकास है, ये दोनों का श्रेय हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। और उत्तर प्रदेश और तेजी के साथ आने वाले 5 साल में विकास करे, इस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में भी ये बात करीब करीब बन चुका है कि अगली बार फिर से एक मजबूत सरकार को जिताएंगे।